हैरान परेशान एक मतलब हैरानगी के समुंदर में मैं तैर रही हूँ कि सभी का कैसे भंगी होगी वो तो क्या हुआ सभी का तुम क्या पूछ रही हो क्या कर रही हो आगे क्यों चाहिए आगे दिखाओ बिल्कुल देखो सीधे ये देखें बताइए सभी का कहाँ से भंगी है मेरे बच्चे जो है ना हा? ये बच्चे ही रहेंगे जितने भी बड़े हो जाएं ये बच्चे के बच्चे ही रहेंगे और कितने करो कितने तुम लोग सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो कि हम लोग नेक्स्ट पार्टी दो दरिया में करें दो तंगड़ियों में किस तरह हम लगाने दिखाएंगे जरा हमारे कैमरा और आज हमारे कैमरा वोमैन हमारी मम्मा है कट डीपली लगाया ये देखें मैं इस तरीके से इस पे जो है ना मसाला अप्लाई कर रही Assalamualaikum my YouTube family welcome to Masala Vlogs another vlog main hu Maria Sayed yeah ki wale kya wale bhai Maria Sayed ke huliye ko jo ignore kar diye Maria Sayed ne parson jo shower leke yani t-shirt pehni hui thi aur kal thodi der pehni hui to main taiyar ho gaya aaj pehni aur kaam bahut hai abhi thodi der main change kar lungi mama ne main keh rahi hai change kar jaye to aap log ignore hi kijiye is baaton ko Malaika Fatima bhai bahut shukriya tumne jo itna intezar kiya aur अब मुझे ये तो तुमने बताया नहीं कि इंतज़ार अच्छा लगा या बुरा लगा बोरिंग लगा कैसा लगा खैर मुझे ज़रूर कमेंट बताना कैसा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें जो है हम तीनों बहुत अच्छे लगे अच्छा दी मैं इस वक्त वीडियो को जो है थोड़ी देर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज कुछ काम थे मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर भी करती होंगी काम भी करती होंगे मैं चाय बनाने आ गई वीडियो को कर लीजिए लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए आज खाने में ये है कि कल का जो है पुलाव अच्छा खासा बच गया था पर इसमें जो है चिकन नहीं है तो इसका हल ये है कल की जो स्टीम चिकन है ना वो बहुत सारी बच गई थी क्योंकि हम सब ने तो पुलाव एंजॉय कर लिया था तो मम्मा ने यहाँ पे पांच हिस्से लगा दिए ताकि किसी में लड़ाई ना हो तो हम लोग पुलाव इसके साथ खाते हैं और कुछ और भी बनाए इसके अलावा मम्मा ने एक्स्ट्रा राइस और बॉईल कर दिए हैं यहाँ पे दाल बना ली है और दाल का तड़का जो है मैं रेडी कर रही हूँ कल जो है 14 अगस्त है और आपको पता है कि 14 अगस्त का जो सेलिब्रेशन वो अलग ही होता है इसके लिए पापा जो है गोश्त लाए थे तो शाम में इसको जो है हमने फ्रीज़र में रख दिया था देखें फ्रीज़र कितनी ज़बरदस्त कूलिंग करा है गोश्त हमारा फ्रोज़न हो गया तो अभी जो इसको कट शट करते हैं फिर बताती हूँ कल क्या बनेगा यहाँ पे जो है मैं चरगा बना रही हूँ और चरगे में मैं आपके साथ साथ रेसिपी शेयर करूँ चरगे में बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें डालते हैं पर हर एक की अपनी एक रेसिपी होती है तो मैंने यहाँ पे एक खाने का चम्मच भुना हुआ सफ़ेद जीरा एक खाने का चम्मच मैंने साबुत धनिया ले लिया है और उसको जो है मैं इससे चॉप करूँगी हवल दस्ते में तो बड़ा अच्छा रहता है और इसके साथ ही साथ मुझे कहना था कि इसके साथ ही साथ मुझे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना था शगुफ्ता अख्तर बहुत 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 शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया किंग बहुत बहुत शुक्रिया भाई कमेंट करने का वीडियो देखने का आज की वीडियो को जो है वो पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जल्दी इसको हम हवल दस्ते में कूट लेते हैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे जो है चरगे को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है मम्मा के साथ मिलकर क्योंकि आपको पता है कि मेरी गाड़ी मम्मा के बिना नहीं चलती है तो ये कर रहे हैं क्योंकि कल हमारे घर में थोड़ा सा फंक्शन है और मुझे अभी चरगे को बातें पहले मुझे मेरी तो बातें ही खत्म नहीं होती है शगुफ्ता खान तो थैंक यू सो मच आपने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला बहुत बहुत शुक्रिया अरमान हसन नो डाउट खालिद बेकरी के केक्स इतने ही यम्मी होते हैं ना कि अब मैं बस गलती हो गई मैं हॉफ नॉफ चली गई हम भी थोड़ा फैशन मारने में आगे से हॉफ नॉफ का केक लाए एक दफ़ा लाए तो बड़े खुश हुए थे हम तो इसलिए जब चले गए लेकिन नहीं जाना चाहिए था खालिद अब मैं बस खालिद बैग वालों मेरा तुमसे वादा है कि अब मैं सिर्फ तुम्हें से केक लूंगी बस हो गया अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी चलिए जी कट्स लगाते अब मम्मा आप ये दिखा दीजिए इसको बहुत डीपली जो कट अच्छा मैं जब चरगा खरीदती हूँ ना तो मैं मार्केट से बिल्कुल भी उनको बिल्कुल नाइफ नहीं लगाने देती हूँ मैं फैट्स भी चिकन में रखती हूँ और मैं बिल्कुल डीपली खुद कट लगाती हूँ वो क्या करते हैं वो ऐसे कट लगाते हैं पूरी चिकन जो इस तरीके से फैल जाती है ऐसा लगता है चिकन ना मुझे देख के ना फिर वो कहका लगा रही है तो हो गया अब मैं इसको टर्न करके इधर थोड़े से कट्स लगा देती हूँ को जो है कट लगा के मैंने स्ट्रेनर पे इस तरीके से रख दिया मामा कहने लगी ऐसे रख दो ताकि इसका पानी वगैरह सब निकल जाए और अभी कुछ मम्मा कर रही है बताते हैं आपको क्या है यहाँ पे मैं और मारिया एंड मामा आए हैं कपड़े वपड़े सेट करने करके कपड़े जो है सारे ऐसे पड़े हुए हैं मामा थोड़ी सी आ गई मामा थोड़ी सी आ गई ब्लर कर दीजिएगा मम्मा की इज्जत खतरे में थोड़ी सी आ गई तो मैं ब्लर कर दूंगी और मुझे यहाँ पे कहना था आकिब इकबाल फोटोगोरा पता नहीं सही नाम ने गलत नाम ले तो सॉरी प्लीज़ और थैंक यू सो मच आपने वीडियो देखी कमेंट किया बहुत बहुत आपका शुक्रिया चलें जी अब मैं जल्दी से कपड़े सारे समेटती हूँ हाँ मैं जो है सारे कपड़े जो है मैंने तय लगा दिया अच्छा हम लोग तय बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग बताइए आप लोग क्या बोलते हैं सर से कपड़ों को जो फोल्ड करते हैं हम तय बोलते जो मम्मा की शादी का सामान इसको भी जो है शॉपर में सब कर दिया है और अब जो है मैं इसको कबर्ड में रखूँगी मम्मा परेशान हो गई हैं और हाल से बेहाल बैठी हैं क्या हो गया पार्टी तो हो गई हवस नहीं खत्म अभी भी ऑर्डर हो रहा है बहुत बड़ा झंडा लगाया है मामा जब अंबानी के इतना फंक्शन हो सकता है रबी का क्या इतना फंक्शन हो सकता है तो मारिया क्या क्यों नहीं फंक्शन हो सकता है
इसलिए मारिया का जो है 3 डेज फंक्शन होगा, ठीक है। एक दिन तो सेलिब्रेशन खूब, मतलब कि वो नहीं कहते कि मोमबत्ती जला के ऐलान कर दिया कि भाई ऐलान हो गया, फंक्शन स्टार्ट। आज एक फंक्शन होगा, अभी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी है ना वो अभी आपको पता चलेगी। फिर एक पार्टी होगी, मेरे मेरे बच्चे जो है ना, हा? ये बच्चे ही रहेंगे, जितने भी बड़े हो जाएं ये बच्चे के बच्चे ही रहेंगे। 3 दिन पार्टी होगी, कल भी पार्टी है। कल भी, और कल क्या है वो तो आपको पता ही है, उसके साथ हमारी पार्टी भी है, तो कल हम लोग करेंगे, वो तो आपको कल ही बताऊंगी। चले जी, इंतजार हो रहा है भाई। यहाँ पे जो है हमारा ऑर्डर आ चुका है, इधर दे दो, इधर दे दो, इधर। तो चले जी, यहाँ पे जो है हमारा जो है ऑर्डर आ चुका है, और महवेश आमिर आप ही, थैंक यू सो मच। लव सिस्टर्स और फैशन स्टाइलिस्ट, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए। चले जी, मम्मा का वेट कर रहे हैं, मम्मा आती है, चलते हैं। यहाँ पे जो है मम्मा ने हम सबका पूरा एक एक जो है ब्रोस्ट मंगवाया है। अच्छा जी, यहाँ पे हम तीनों माँ बेटी अपना लेके बैठे हैं, बाकियों का जो है हमने रख दिया। अच्छा, आज जो है ब्रोस्ट हमने इनसे मंगवाया है, ये मैं दिखा देती हूँ। देखें, आज हमने मिर्ची हट से जो है मंगवाया है, तो मैं आपको बताऊँगी कैसा है। बाकी लुक वाइज तो इतने बड़े बड़े लग रहे हैं, लग रहा है ना बड़ी बड़ी मुर्गियाँ इन्होंने वो की हैं, है ना। रखें ना, वो तीसरे वाली का खाएँ, तीसरा खाएँ, तीसरा ये। और ये कोल्ड ड्रिंक भाई, ये देख लें, कोल्ड ड्रिंक भी आई है साथ, और ये डिनर रोल्स भी आए हैं। चले जी, मैं पिक्चर, यहाँ पे मैंने अच्छी खासी बात जो है की थी, लेकिन जब एडिटिंग का टाइम आया तो पता चला कि मेरी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मैं जो हूँ ब्रोस्ट को जो है बिल्कुल रिलैक्स होकर जो है इंजॉय करती हूँ, उसके बाद जो है आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो शेयर करूँगी कि मिर्ची हट का ब्रोस्ट चिकन जो है वो कैसा है। और ये वाला देख लीजिए, दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा यमयस्ट सा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। लास्ट टाइम जहाँ से मैं लाई थी उससे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कितने बड़े बड़े चिकन के जो है पीस है, और कोटिंग बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। ओकाशा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम्हें जो है मैं जब तुम्हारा नाम लेती हूँ वीडियो में, तुम्हें अच्छा लगता है, बच्चे आपका जो है आप खुद बहुत अच्छे हो, इसलिए जो है आपको अच्छा लगता है, और आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। हीरा लाइफ, आमीन सुम्मा आमीन भाई, आप सब ने मिल के ये जर्नी पूरी करनी है हमारे साथ, और हमारे साथ लगे रहना है, बने रहना है, ठीक है। आप लोग सब मिल के फिर हम लोग बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। अभी तो यार जल्दी जल्दी और थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाओ ताकि सेलिब्रेशन हो। और कितने करो, कितने तुम लोग सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो कि हम लोग नेक्स्ट पार्टी दो दरिया में करें। दो दरिया का मैंने तुम लोग को टारगेट बता दिया कि इतना महंगा है दो दरिया, तो उस इतना टारगेट करो कि अच्छा जी चलो जी जल्दी जल्दी मैं तुम लोग करो फटाफट सब पूरा। और आयशा मेरा लाइफ, थैंक यू सो मच यार, लव यू। और ब्रोस्ट चिकन जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत जूसी, यानी इतना मज़ेदार है कि अब अगर हमें ब्रोस्ट खाना होगा तो इन्हीं से मंगाएंगे ना मम्मा। अब हमें नहीं कहा कि इतनी मोटी मोटी चिकन से लग रहा, अपना फॉर्म इन्होंने रखा हुआ है भाई, इतने मज़ेदार है। चले अब मैं जो आ गई हूँ किचन में, चरगे पे मसाला लगा, यहाँ पे सारा मसाला जो है निकाल लिया है, और अब मम्मा जो है वो मुझे गाइड करके कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीज़ें मुझे सिखाने वाली जो है ना वो मेरी अम्मा ही हैं, तो सब कुछ जो है चरगे की तैयारी। अच्छा, कुछ लोग चरगे में अजवाइन डालते हैं, लेकिन हम जो है अजवाइन नहीं डालते, तो हम जो है पहले मसाला इसका बना। यहाँ पे मैंने बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी 4 खाने का चम्मच जो है दही ली है, उसमें जो मैंने हवलदस्ते में जो है साबुत धनिया और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा उसको भून के जो है कूट लिया था वो जो है ऐड कर दिया। साथ ही जो है मैंने 1 खाने का चम्मच भर के जो है ना चाट मसाला पाउडर ऐड किया, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है, फ्लेवर ना बड़ा ही अच्छा चटपटा सा चरगे में लगता है। अच्छा, 2 चाय का चम्मच मैंने होममेड गर्म मसाला पाउडर ऐड कर दिया है, और ये भी जो है मेरा हवलदस्ते का पिसा हुआ है। और यहाँ पर 1 खाने का चम्मच जो है मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चरगा जो है थोड़ा थोड़ा स्पाइसी हो तो मज़ेदार लगता है। 1/4 टेबल स्पून के करीब मैंने थोड़ी सी समझे हल्दी ऐड कर दी है, 1 चुटकी कहने हल्दी ऐड कर दी है, और थोड़ा सा उसमें फूड कलर ऐड कर दिया। फूड कलर से ये होता है ना, चरगे का कलर जो है बड़ा ही अच्छा होता है, ये ऑप्शनल है लेकिन ऐड कर दें तो अच्छा होता है। और तकरीबन जो है 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन ऐड किया है, और पिसा हुआ अदरक लहसुन पाउडर नहीं ऐड करते हैं, पिसा हुआ अदरक लहसुन फ्रेश वाला ऐड करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने रेसिपी देखी है वो पाउडर ऐड करते हैं, लेकिन मैं जो हूँ फ्रेश वाला जो है पेस्ट ऐड करती हूँ। यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं। लेमन जूस जो है, अच्छा यहाँ पे लेमन में ऐड करी थी, और यहाँ साथ ही साथ जो है बीछें भी चली गई थी, तो बाद में जो है वो बीछें जो है वो मैंने निकाल ली थी, क्योंकि लेमन वो निचोड़ने वाला जो है ना वो मुझे मिल नहीं रहा था इस वक्त, तो कुछ बीछें जो है रह भी गई हैं। चले जी, इसको मैरिनेशन के टाइम जो है मैं अलग कर दूंगी। और अब जो है मैं यहाँ पे नमक जो है थोड़ा ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने अच्छा खासा इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड किया हुआ है, तो उसमें तो नमक होता ही होता है। तो इसको जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स करके बहुत परफेक्ट सा जो है एक पेस्ट जो है वो रेडी हो गया चरगे के लिए, और ये इतना मज़ेदार इतना टेस्टी चरगा बनता है ना। चरगे में मसाला लगा रही हूँ, और मोहम्मद अरबाज थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। घायना अयाश
शॉर्ट्स वीडियोस, बहुत बहुत शुक्रिया भाई कमेंट करने का, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। आयशा उरूज बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। सायना फैजान थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और यहाँ पे देखिए भाई, हम जो है अच्छी तरह से इनकी मसाज कर रहे हैं ताकि इनका फुल बॉडी पेन जो है हम खत्म कर देंगे यहाँ पे। चले ये देखिए तंगड़ियों पे किस तरह हम लगाने, दिखाइए जरा हमारे कैमरा में। और आज हमारे कैमरा वोमैन हमारी मम्मा है, मम्मा जो है वो मेरे साथ शूटिंग करने आने, ये ना मम्मा है मम्मा जी। चले जी इनको जो अच्छे से देखें इस तरीके से, बिल्कुल इसीलिए मैंने कट जो है डीपली लगाया। ये देखें मैं इस तरीके से इस पर जो है ना मसाला अप्लाई कर रही हूँ। ये देखें यहाँ पे जो है मैंने चरगे को मसाला वगैरह लगा दिया है। ये देखिए एक मिनट, आई अल्लाह, ये दिखा देती हूँ आपको। और मम्मा मुझे कह रही है इसको शॉपर में बांधने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस तुम ऐसे ही फ्रिज में रख दो, क्योंकि कल तो फिर इसको बना ही लेना है। तो फ्रीज़र में मम्मा से पूछते हैं, मम्मा कह रही है इसको फ्रीज़र में रख दो। तो चले जी इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँ। चले जी चरगे को जो है मैंने फ्रिज में रख दिया। और हिना फोरम थैंक यू सो मच, आपको मैं अच्छी लगी, आपको सभी का अच्छी लगी, आपने इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी दुआएं दी, बहुत 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 सारा बहुत सारा बहुत सारा जो है दिल से जो है शुक्रिया। और अहमद हेयर भाई ये बात तो आपने मेरे पापा के लिए बोली, ये पापा ही बता सकते हैं कि मतलब वो ऐसा समझते कि नहीं समझते, लेकिन आपने कॉमेंट इतना प्यारा किया, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से जो है वो, बहुत शुक्रिया। नगरेश खान अच्छा जी तुम कराची आ गई हो, हाँ काफ़ी दिनों बाद तुम्हारा कॉमेंट आया यार। और कराची में तो इंसान की ज़िंदगी क्या है वो तो कुछ पता ही नहीं चलता है, कब सुबह कब शाम। चले फिर अब 12 बजने वाला है, जरा बाहर का नज़ारा आप लोगों को करवाती हूँ। ढाए 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 कराची वालों को मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही जज्बात है ना पाकिस्तान बनने के, हम कराची वालों को कुछ ज़्यादा ही खुशी, पूरे पाकिस्तान को छोड़कर कराची में कुछ ज़्यादा ही खुशी की लहर है। चले आपको दिखा, इस वक्त जो है कोई 11:50 हो रहे थे तो मैंने कहा 11:50 में ही आपको बाहर का व्यू जो है दिखा दूं। और हंगामा आ रही जो है स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब के जो इंतजाम 14 अगस्त के जो है वो होते हैं वो स्टार्ट हो गए थे। लास्ट टाइम जो है मैं नीचे गई थी, मैंने नीचे का आपको दिखाया था क्या तमाशा लगा हुआ था, परफ्यूम चौक की पूरी गली जो हमारी जो गली है उसमें जो रश लगा हुआ था और एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। पटाखा भी जो है मेरे पैर में जो है बहुत ज़ोर से जो है वो लग गया था, बस एक दूसरे पर उठा उठा के फेंक रहे थे। अजीब तरह का कोई समा बना हुआ था, मतलब कि कोई भी तमीज़ तहजीब नाम के नीचे कोई चीज़ नहीं थी, कोई भी किसी के पैरों के नीचे जाके ना पटाखे को जो है जला दे रहा था। वो देखे मैं आपको कोशिश कर रही हूँ यहीं से जूम करके दिखाने की कि गली के कोने तक जो है रश स्टार्ट हो गया, अनार वगैरह सब जो है वो देखे मैं आपको कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, जलना जो है वो स्टार्ट हो गया था। और ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे ये चलता रहता है। लास्ट टाइम मैंने पूरा नीचे की मेरी वीडियो मौजूद है मसाला व्लॉग्स में, आप चाहें तो वहाँ पर जाके देख ले, मैंने किया था लास्ट ईयर। इस दफ़ा जो है मैं गैलरी में भी खड़ी नहीं होंगी 12 बजे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायर वगैरह हो रही होती ना तो डर लगता है, इसलिए नहीं खड़ी होंगी। चले अभी जो है मैं किचन में आ गई हूँ, मेरा दिल चाह रहा है चाय बनाने का। और बाहर के हंगामे तमाशे देख लो। और महर शोएब नकवी थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, आमीन सुम्मा आमीन जदा कला। और आपने जो इस बात पे उनसे पूछा, मतलब मैं भी हैरान हूँ कि इतने दिन से ये सारे मिलके, चलो मुझे तो भेंगा 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 कह ही रहे थे, चले मान लिया भाई भेंगा है, और अल्लाह से बोलना चाहिए, अल्लाह के बजाय ये सारे नौजुबिल्ला मुझसे आके बोल रहे हैं तो मैं खुद हैरान परेशान है। लेकिन आजकल जो है मैं हैरान परेशान, एक मतलब हैरानगी के समुंदर में मैं तैर रही हूँ कि सभी का कैसे भेंगी होगी, वो तो बिल्कुल अच्छी खासी है। मतलब एक कमेंट पहले आया था सभी का के बारे में, ये भी भेंगी है, और एक कमेंट आज आया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सभी का में कोई महंगापन नहीं है, उसकी आँखें बिल्कुल सही है। मैं भी उसकी आँखें भी आपको दिखा, ये देखे सभी का कह रही है क्या हुआ, सभी का तुम क्या पूछ रही हो, क्या कर रही हो, आँखें क्यों चाहिए, आगे दिखाओ बिल्कुल देखो सीधे, ये देखें बताइए सभी का कहाँ से भेंगी है, सभी का आँखें फाड़ फाड़ के दिखाओ, पुतलियाँ घुमाओ, क्या मतलब यूट्यूब पे कमेंट नहीं पढ़ रही हो, वो मैं पढ़ रही हूँ पर क्यों इन लोगों का मुंह लगा रहे हो। नहीं महर शोएब नकवी ने हमारा साथ दिया है, उन्होंने उनको डांटा है तो वही मैं दिखा रही हूँ। महर शोएब नकवी से कह रही हूँ मैं भी हैरान हूँ कि सभी का भेंगी का, सभी का तो वो भी तो ब्लेस हूँ अल्लाह की, सभी का तो माशा बहुत खूबसूरत। तो भाई सबीका को जो है आप लोगों ने देख लिया और देख ले भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई सबीका जो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। और महेश शर्मा का भी बहुत शुक्रिया आपका, आपने साथ दिया। और अब्दुल रहमान विलेज ब्लॉग थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, थैंक यू जो आप लोगों को हमारी खुशी में जो है वो इतनी खुशी हुई, आप सब जो है इतना खुश हुई। लाइफ विद रोहन हुसैन थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, मेरी समझ में नहीं आता आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करने लगे कि आप लोग मेरे लिए जो है इन गलीस लोगों से जो है फाइट कर रहे हैं, इनसे मतलब कर रहे हैं, मुझे इतनी मतलब इनकी सोच पे मुझे हैरानी होती है। यहाँ इंसान को मोहब्बत करने का टाइम नहीं, यहाँ पे इंसान को मोहब्बत करने का टाइम नहीं और ये इतनी ज़्यादा नफरत लेके बैठे हैं भाई, मतलब थैंक यू सो मच लाइफ विद रोहन हुसैन कमेंट करने का, साथ देने का, लव यू। देखें वाला लव
सोनाली थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने का। एक्सप्रेस रील्स बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने का। कोशिश की है मैंने सबके जवाब देने, क्योंकि वीडियो आप सबको इतनी पसंद आई है। क्लोज्ड आईज थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और मैंने बिल्कुल लास्ट टाइम तक रात के जागते थे सर, रात के 4 बज रहे हैं और मैंने 4 बजे तक कोशिश की है कि आपके साथ जो है लगी रहो, बंधी रहो, सारे कमेंट को करो। फिर भी अगर कोई रह गया सॉरी, कल की वीडियो में उसको जो मैं रिप्लाई दे दूंगी। चलेंगी मुझे जल्दी जल्दी चाय बनाती हूँ। इसी के साथ ही इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए। ज़्यादा दीजिए दो हमें याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।